मजा आ गया, बहुत भयंकर पैकेजिंग है ये सर, और डब्बा भी एकदम राइट फाइट लग रहा है तो। हैं इससे ज़्यादा प्लेन, इससे ज़्यादा क्लियर डब्बे की पैकेजिंग आज तक हमने नहीं देखी। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोटर ब्लॉगिंग से रिलेटेड बड़ा सरप्राइज आया हुआ है, तो जस्ट अमेजोन से डिलीवर हुआ। एक्चुअली क्या है, टेप के भरोसे मैंने मेजरमेंट लिया कि कोई मेजरमेंट लेना हो या कुछ करना हो तो प्लीज फ्लेक्सिबल वाले टेप से लो, क्योंकि मेरे को भी साइज का अंदाजा नहीं था। इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था वो अपना लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज क्या हो रहा था, थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, बहुत नीचे हो रहा था। और ऑनलाइन ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत ये है, जो ऑफलाइन मार्केट में जब जाके देखते हैं ना, तो मैंने भी कुछ दिन पहले मतलब सर्च कर रहा था बहुत दिनों से, मैंने जाके देखा तो यहाँ क्या करते हैं, जो मैं एल साइज का हेलमेट पहन रहा था वो ऐसा फील हो रहा था कि स्मॉल है, क्योंकि उसकी टेपिंग चेंज कर देते, तो जो जैसे मान लो एल साइज खत्म हो गया, टेपिंग निकाल के स्मॉल की टेपिंग निकाल के लार्ज लगा देंगे। तो गाइस ये बहुत मतलब बहुत टाइप का, अब इसको स्कैम बोलो, कुछ भी बोल सकते, क्योंकि मैंने कल पहना लार्ज साइज, मैंने एक पहना वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा, फिर दूसरा एक लार्ज साइज मैंने ट्राई किया वो डिफरेंट लग रहा। तो भाई कोई भी अगर ऑनलाइन मंगाना हो तो इससे मेजरमेंट करके प्रॉपर मेजरमेंट दे देता हेड का, तो इसको मैंने मेजर करके मंगाया तो 56-57 के अराउंड कुछ आया। तो चलो अनबॉक्स करते हैं गाइस, और डब्बे की पैकेजिंग भी बहुत एकदम 100% ओरिजिनल यहाँ पे लिखा हो रहा होगा, और सब आता कि ये साइड अप हैगी जी, हाथ से भी निकाल सकते हैं टेप को, ऐसे कोई दिक्कत डायरेक्ट जी। अपना मेन बॉक्स ये अपन कलर साइज, और ये 8 मार्च बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्शन है। एक्चुअली क्या है, हेलमेट बहुत लोग ऑर्डर नहीं करते क्योंकि साइज की दिक्कत होती है, मेरे को भी लग रहा है कि रिटर्न ना करना पड़े, जो मैं ट्राई करके आया हूँ उसके अकॉर्डिंग तो लार्ज भी मेरे को टाइट से आ रहा था। ये भाई डब्बे में कुछ नहीं है, खाली है, बस हेलमेट का साइज सही आ जाए, यही ग्राफिक्स के साथ मारा जाएगा। इस पे पीछे साइज तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन लिखा है और ISI मार्क है, ये देखो सर्टिफिकेशन पीछे लिखे हैं, लेकिन यार इसका जो वो है ना रहती, ये देख रहे, देखो मीडियम, ये अंदर होना जरूरी है तब जाके। अब उसके साथ ये कुछ ऐसे सीरीज है, यार एक बार ट्राई करते हैं उसके बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस, बताते कैसा लगता है कि इस पे क्या है, मतलब कैसा है, या थोड़ा सा भाई पहनने के बाद फ्लेक्सिबल होगा जहां तक है। गाइस अभी कुछ ये देखा मैंने, मैं भी सर्च करके देख रहे हैं, कह रहा है अगर वो यहाँ से आपका टाइट नहीं होगा ना तो हेलमेट उतर जाएगा, ये टाइट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इससे एक साइज अप ले लोगे ना तो फिर क्या है, कुछ टाइम में पहनते पहनते ये पैडिंग थोड़ी सी दब जाएंगी, तब ये दिक्कत होगा। अब मेरे छोटे से है तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है शायद, तो वैसे ऐसा कोई हेडेक नहीं लग रही, पहनते पहनते सही हो जाएगा, बस ये यार चश्मा लगाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है ना तो फंस रहा है। देखते हैं भाई, हम सोच रहे इसको थोड़ा सा पहन के राइड करें और फिर देखें इसका रिव्यू फिर बनाए कैसा क्या है, कंफर्टेबल। वैसे एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है, वॉबल टाइप की नहीं हो रही क्योंकि ये पूरा प्रीवियस और ऐसा कुछ लोक आ रहेगा। इसमें पिन पॉइंटर भी दिया हुआ है, मतलब फॉक के लिए भी दिया हुआ है, तो अभी तो वो निकाल के रखेंगे, मतलब सर्दियों में और बारिश में यूज होता है, सही है। जो चिन कर्टन दिया है यहाँ पर तो आई गेस सब तो सही है, थोड़ा सा देखते हैं इसको और थोड़ा सा यूज टू होके कि कैसा क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप इस पर देखेंगे कैसा क्या करना। अब पता नहीं ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं वगैरह, थोड़ा सा आपके जो ऊपर आना चाहिए, लग तो रहा है साइज मतलब एकदम परफेक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा डाउट है अभी भी, जो थोड़ा नाक पे टच, अगर थोड़ी देर आपने पहन लिया और सब कर लिया फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जे आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी ये GoPro इस पे जाएगा, सेटिंग करेंगे पहले, थोड़ा सा थोड़ी देर पहन के देखेंगे हम,
अभी आध घंटा लगभग या 15-20 मिनट पहन के देखेंगे कि क्या सेट हो रहा क्यों नहीं हो रहा, कि ये वाकई में इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और अपना डॉट और ECE सर्टिफिकेट है, इसका वेट है कुछ 1600। ये टेप अलग से लगा हुआ है, एग्जॉस्ट, ये वेंट है भाई पीछे, यहाँ से हवा इन जाएगी, यहाँ से आउट होगी। सबसे अच्छा एम्बलम लगता है इसका। ये मैकेनिज्म है पूरा, इसको भी ओपन करने का तरीका देखते हैं। इसको खींचना है या दबाना है, इसको ऐसे खींचना है, ऐसे उठाना है और ऐसे निकल जाएगा जी इजीली। थोड़ा सा देख के करना गाइस, क्योंकि पहली बार है, मैं भी एक बार ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है। तो चलो इसको पिन हटाने के बाद मिलते हैं। ये कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, एग्जॉर और बी पॉजिटिव और छोटा सा स्पॉयलर भी। भाई इसका स्पॉयलर ब्लैक देना चाहिए था यार, इसका स्पॉयलर ब्लैक नहीं है तो मज़ा नहीं आया। ये इतना छोटा सा स्पॉयलर यहाँ लग जाएगा, तो इसको कवर करने के लिए कुछ नहीं है, इसको कवर करने के लिए है। ये अपन को तो बड़ा ही मज़ा आएगा, लेकिन ये स्टिकर है तो चिपका सकते हो जिसको भी चिपकाना है भाई। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये रिफ्लेक्टर्स हैं, तो एक इस साइड लगा लो, एक इस साइड लगा लो, ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दिखे। और इसका बड़ा वाला स्पॉइलर और बैक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हो जाएगा कुछ। चलो इंस्टॉल करने। स्पॉइलर के बाद तो और गजब लग रहा, देखो बस ये ब्लैक होता ना तो और बढ़िया लगता देखने में।